पेरेंट्स आ चुके हैं अपने बच्चों को देख तू इतनी शौकी। वेलकम बैक टू माई चैनल विद्या व्लॉग्स। और यहाँ पे मैं दीते को दिखा रही हूँ, ऐसे उछाल रही है और डर जा रही है। है दीते, आप डर गई? तो सुबह तो हमारा सुबह ही हो जाता नहीं, है नहीं, नहीं, 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे आपको होता है? 6 बजे मेरा मम्मी का हो जाता है, 5 बजे मेरा भी ऑलमोस्ट वही 10-15 मिनट पहले। तो सुबह हो जाता है, लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ मैं 9 बजे। दीता का मैरिज हो चुका है, तू भी हो गया था एक बार, अब वापस करने जा रही हो? हाँ वापस करने जा रही हूँ, क्योंकि मैडम सोई थी और अभी उठी है। दीता आपको नींद बहुत आ रही है ना? यहाँ पे मस्त खचाखच बारिश हो रहा है, इसके लिए इसको फुल कपड़े पहना के रखे है। नींद बहुत आ रही है ना आपको बिट्टू? मस्त मौसम हुआ, मुझे खुद ही आ रही, तो उसको क्या नहीं आएगी। आ रही ना नींद? अच्छा अच्छा अच्छा, इसी बहाने आपकी आदत सुधर जाए थोड़ी सी, दिन में सोने वाली। चलो भाई फटाफट फटाफट। तो ये राधा का स्कूल, ये राधा का स्कूल। नाम मम की के पेरेंट्स आ चुके हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, टाइम हो गया है, अभी बुलाएंगे अंदर। तो दिख ही नहीं रही है। देखा करो विजया व्लॉग्स, मैं हूँ व्लॉग है। तो भाई राधा को ले लिया हमने, राधा ये रही। आंटी जल्दी जाओ, क्या बोलती हो? क्या बोलती भगवान जी को? हाँ क्या बोलती हो? जय भगवान जी, बोलो जल्दी जल्दी करो। जी चलो स्टार्ट। छू सा धरती के चकराई लगो, हनुमत के बलाई लगो, हमार ए मेरी दुतुड़ी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा रामा। तुम करोगे तोरी को दे, तोरी को दे, तोरी को दे। Oh,
बम पकड़ो पकड़ो उसको उसको पकड़ो पकड़ो उसको टिचक टिचक हे गाइस वेलकम वेलकम बैक। सो एक्चुअली मैंने कैमरा रखा है विंडो पे, आई होप मैं आपको थोड़ी बहुत दिख रही होंगी और पीछे मैसी वगैरह मैसी दिख रहा होगा, मतलब कपड़े वगैरह बहुत ऐसे पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत है। और माइक से मुझे इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे हाथ में बच्ची है, सो रही है, क्योंकि मैं चिल्ला के बात नहीं कर सकती। एक्चुअली ना मुझे इस तरीके से वीडियो इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि मुझे कल वाली जो पूजा हुई थी ना उस बारे में कुछ बताना था आपको कल, क्योंकि मैंने कल वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो सोचा कि आज बता दूँ कि जो हमने पूजा करवाई थी ना उसमें एक ऐसा हुआ था, ऐसी चीज़ हुई थी जो एक्चुअली आपको बताना मुझे लगा कि ज़रूरी है और आप भी जानोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ पूजा पाठ में भी एक चीज़ है, एक पॉजिटिव वाइब्स है, हमें करानी चाहिए टाइम टू टाइम। मैं इसलिए नहीं कह रही कि हमें पूजा पाठ करानी चाहिए, मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि कल ये चीज़ एक्चुअली में हुई और ये अगर हम पूजा हम कराते हैं ना शिव चर्चा जो है हम कराते हैं ना और ये मिरेकल होता ही होता है। तो बात ये है ना कि जब हम शिव चर्चा रखते हैं, मतलब जब पूजा पाठ होता है ना, तो इसमें तीन चीज़ें रखी जाती हैं, और भी चीज़ें रखी जाती हैं बट जो मेन है वो बता रही हूँ मैं। इसमें एक कटोरी में भर के चावल रखा जाता है, एक कटोरी में भर के शक्कर रखा जाता है और इसमें बूंदी की या फिर ऐसी बूंदी के जो होते हैं ना बूंदी के लड्डू, उस बूंदी की लड्डू की नहीं बूंदी जो होते हैं उसको एक बर्तन में रख के, मतलब एक फैल बर्तन में रख कर के इन सब तीनों चीज़ों को ढक देते हैं अच्छी तरीके से। और ये सब चीज़ें पूजा के स्टार्टिंग में की जाती हैं, इसको भगवान जी के सामने रख देते हैं और ऐसा मानते हैं कि जब पूजा कंप्लीट हो जाता है ना तो उसके अंदर फिर बाद में पूजा जब समापन हो जाता है पूजा का, जब पूजा पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, आरती वगैरह सब कुछ हो जाता है तो उसके अंदर फिर उसको खोल के देखा जाता है तो उसके अंदर ओम बना रहता है। तो ये जो चीज़ हुआ ना ये कल हुआ था यहाँ पर, कल मैं आपको रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पाई, पता नहीं था कुछ था कि मैं एक ऐसी सिचुएशन आई कि मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करी बट वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं बच्ची को लेके बैठी थी, भाभी अंदर किचन में बिजी थी तो एक मैं रिकॉर्ड करने वाली, एक भाभी रिकॉर्ड करने वाली, बट एंड टाइम पे हम चीज़ें वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। या फिर हो सकता है भगवान जी चाहते हो कि ये सब चीज़ें दिखाने वाली ना हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा हुआ था क्योंकि मैंने तो नहीं देखा था, भाभी ने भी नहीं देखा, लेकिन वहाँ पर जितनी भी औरतें थी ना सब ने देखा, मम्मी ने खुद देखा। तो एक बोलते थे ना किस्मत भगवान जी का, चाहते थे किसको दिखाना किसको नहीं दिखाना, शायद हमें नहीं चाहते थे दिखाना इसलिए हम नहीं देख पाए। पूरी पूजा में हम लोग अवेलेबल थे लेकिन लास्ट में जो था उसमें अवेलेबल नहीं थे, जो चीज़ होती है वो देखने वाली चीज़ होती है उसमें अवेलेबल नहीं थे। मैं बच्ची को लेके बिज़ी हो गई, मतलब वो थोड़ी उसको देखने लग गई, भाभी नाश्ते में बिज़ी हो गई क्योंकि सब पूजा वूजा हो गया तो फिर सबको नाश्ता भी देना था तो उसमें बिज़ी हो गई और वीडियो बनाने वाला कोई भी नहीं था। बट मम्मी ने बताया हम लोग को कि मैंने साक्षात देखा चावल में और जो शक्कर था उसमें ओम बना हुआ था और जो अरे नहीं जो बूंदी के बूंदी का प्रसाद था उसमें और शक्कर में ओम बना हुआ था और जो चावल था ना उस पर भगवान जी के पैरों के छाप रहते, मतलब चलते हुए दिखा था, मतलब रास्ता तो मुझे दिखा बट अगर मैं दिखाऊंगी भी ऐसे तो भी समझ में नहीं आएगा, लोगों को बोलेंगे कि फेक वगैरह है, बट ये एक्चुअली में हुआ था कल, तो एक चमत्कार ही बोल सकते हैं। कल वाली पूजा बहुत अलग थी, मैंने ऐसी पूजा कभी अटेंड नहीं की ना, मैं पूजा में ऐसी गई हूँ, बट जो कल वाली पूजा थी ना और जो जो पूजा करवाने वाली आई थी जो भजन वगैरह गा रही थी वो लोग एक ऐसी चीज़ें कह रही थी ना कि वो चीज़ें शायद वो चीज़ें डायरेक्ट अंदर तक घुस रही थी। एक वीडियो के एंड में मैंने डाला है गुरुजी करके, मैंने आपको यहाँ पे वीडियो भी डाल दूँगी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप कल वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ डाला है, वो मैंने जानबूझ के पूरा डाला, बड़ा डाला। आई नो थोड़े बहुत लोग बोर हो जाएंगे बट अगर आप ध्यान से सुनते हो ना, अगर आप दिल से सुनते हो उस चीज़ को तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे अंदर वो जा रही है, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैंने जानबूझ के इतना बड़ा वो वीडियो डाल दिया।
शॉर्ट शॉर्ट में जाते थे कि सब हर चीज़ मैंने शॉर्ट डाला, क्योंकि वो लोग गाना गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब चीज़ें मैंने शॉर्ट में डाली है। बट जो जब वीडियो अरे जब पूजा का समापन हो गया, जब पूजा कंप्लीट हो गया, उसके बाद भगवान जी को बुलाया जाता है स्टार्टिंग में, फिर बाद में उनको बोलते हैं कि अब हमारा पूजा हो गया भगवान जी, अब आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखे, हम उनसे भीख मांगते हैं। एंड में जब शिव चर्चा होता है, जब कंप्लीट हो जाता है पूजा ना, तो उसमें हम भीख मांगते हैं। मैंने पल्लू लिया था, अगर आपको दिखेगा, अगर आपने वीडियो प्रॉपर देखी होगी तो ही आपको दिखेगा, मैंने पल्लू लिया था, क्योंकि मैं बच्ची को भी उस वक्त ली थी, तो मैं वीडियो प्रॉपर बिल्कुल नहीं बना पाई, मैं बाहर भी नहीं जा पा रही थी, क्योंकि यहाँ भी सब गैलरी में बैठे थे, और पल्लू में ऐसे पल्लू लेकर के भगवान जी के सामने सब जो भीख मांगते हैं, जो वो आंटी लोग आई थी, वो चीज़ें ऐसे कह रही थी ना कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो चीज़ ऐसा लग रहा कि मेरा मन कह रहा है ना कि वापस से ऐसी पूजा होनी चाहिए यार, मैंने कभी ऐसी पूजा नहीं करी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले ऐसे चीज़ें ना ऐसी लगती थी यार क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं लोग, बट जब अब बैठती हूँ पूजा में, हुआ दुर्दुर्गा माता का पूजा हुआ, भगवान जी की पूजा हुई, उनके भजन हुए, उनकी कहानियाँ हुई, तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब एक अंदर से ही हैप्पीनेस आ जाती है, खुशी आ जाती है। तो ये चीज़ एक्चुअली में हुई थी, मैं कोई फेक नहीं कह रही हूँ, मेरे पास प्रूफ नहीं है ऑफकोर्स दिखाने के लिए, कि लोग प्रूफ मांगेंगे देखने के लिए, बट ये चीज़ होती है। आप शिव चर्चा कहीं भी कराओ, कोई भी कराए, ये जो मिरेकल हुआ, ओम बना हुआ, भगवान जी के पैरों की छाप, ये होता ही है। क्योंकि जो कल आंटी लोग आई थी ना, वो लोग भी कह रही थी उनके साथ भी हुआ है, और कल मेरे घर पर भी हुआ है ये चीज़। हाँ, ये बात अलग है कि मैं नहीं देख पाई, बट मम्मी खुद कह रही है कि मैंने साक्षात देखा उसको। फिर वो जो चीज़ें आती है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब सब लोग को बांट देते हैं। प्रसाद प्रसाद रहता है शक्कर और वो बूंदी जो चावल है उसको बना देते हैं। फिर इस तरीके से कल की पूजा हो गई थी कंप्लीट। भाभी को भी बुलाया एंड में, बट भाभी भी नहीं देख पाई। आप देखी थी ओम? हाँ भाभी, ओम देख पाई थी आप? नहीं देख पाई थी ना, वही तो कह रही हूँ। मैं और भाभी पूरे पूजे में थे, बट एंड में हम वो नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, शायद कुछ होगा अलग चीज़। खैर, आज की वीडियो बस यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। ये चीज़ मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी है बताना, इसलिए मैंने बता दिया प्रॉपर तरीके से, इसलिए माइक में प्रॉपरली बता रही हूँ। और यही वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। आजकल किसी की तबीयत ठीक नहीं चल रही, पापा की वो तबीयत ख़राब है, बुखार वगैरह हो रहा है, और मम्मी को भी हो रहा है, आज हरारत सी हो रही है, इसीलिए सब लोग फटाफट खाना वाना खा के आराम करने जा रहे हैं। अभी 8:30 हो रहा है, खाना वाना हमारा हो चुका है, बाहर सब लोग खाना खा चुके, मुझे बुलाया जा रहा है। बस आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आगे चल के बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी। आज बहुत बैटरी लो थी हमारी, आज कुछ वीडियो नहीं बनाया, बट आने वाले दिनों में ऑफकोर्स अच्छी वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय। सो खाना आ चुका है, दाल चावल रोटी सब्जी। हमारे घर पे मौनजुली का आई है, मौनजुली का सब बीमार पड़े हैं भाई। ये वाला भी दिखाओ। आपको करने नहीं आता है? बात तो सही है। Hey.